चलिए ओके नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ बहुत ही शानदार टॉपिक है और यहाँ से बार बार विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आपके लिए पूछे गए हैं एक बार आपके कमेंट ले लेता हूँ मैं ओके गुड मॉर्निंग प्रियंका प्रदर्शनी गुड मॉर्निंग निवेदिता सिरोही गुड मॉर्निंग विष जोशी अजय अजय आशु अजय आशु गुड मॉर्निंग ओके विवेक राघव गुड मॉर्निंग सर ओके सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सभी को राम राम <coughs> चलिए तो जुड़ जाइए फटाफट से और सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए और ओके okay. ओके okay, सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सभी को राम राम तो ठीक है हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का, का नाम है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ऑफ अर्थ तो इसको हम कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना बात क्लियर है ओके ओके वेरी गुड मॉर्निंग सर ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सभी को राम राम चलिए तो आज हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना चलिए तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम और समझेंगे कि आखिरकार इस टॉपिक में क्या है देखिए नाम से पता चल रहा है आप टॉपिक को अगर देख रहे हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी हमें इस टॉपिक में पृथ्वी के बारे में पढ़ना है पृथ्वी के अंदर क्या है इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है जैसे सबसे पहले समझते हैं जैसे हमने कहा कि यह है हमारे आप पृथ्वी यह है हमारा अर्थ तो आखिरकार हमें ये जरूरत क्यों पड़ी कि हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है हमें ये सारी बातें क्यों पता चली तो ध्यान रखिएगा अगर हम प्राचीन समय की बात करें पुराने समय की बात करें तो जब हमने कहा कि पृथ्वी के अंदर से क्या निकल रहा है ज्वालामुखी निकल रहा है क्या निकल रहा है ज्वालामुखी यानी वॉलकैनो इरप्शन हो रहा है वॉलकैनो इरप्शन ज्वालामुखी विस्फोट या उद्गार कहेंगे हिंदी में पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट निकल रहा है जिससे क्या निकल रहा है लावा बाहर निकल रहा है और जिस लावा का तापमान कैसा है बहुत ज्यादा है दूसरा पृथ्वी के अंदर से ही उसके आंतरिक बलों के द्वारा क्या आ रहा है भूकंप आ रहा है पृथ्वी के अंदर क्या आ रहा है भूकंप आ रहा है अर्थ क्वेक आ रहा है और भी बहुत सारी चीजें पृथ्वी के अंदर जब हम पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं आप सब अच्छे से जानते हैं कि जो पृथ्वी का केंद्र है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ जो पृथ्वी का केंद्र है वो कितनी गहराई पर स्थित है आप जानते हैं छः किलोमीटर की गहराई पर कितना है छः किलोमीटर की गहराई पर है पृथ्वी का केंद्र तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है 71 बहुत ध्यान से समझिएगा बात को तो कहने का मतलब यह है कि जब हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप सब जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है दाब यानी प्रेशर दाब यानी प्रेशर में क्या होता है वृद्धि होती है और जब दाब बढ़ेगा तो क्या होगा डेंसिटी भी बढ़ेगी घनत्व तो भी क्या होगा इंक्रीज होगा क्या होगा इनक्रीज़ होगा यानी उसमें क्या होगी वृद्धि होगी दाब बढ़ेगा गणत्व बढ़ेगा तो जहर सी बात है पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या हो रहा है तापमान में भी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है टेम्परेचर में भी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हम जब हम पृथ्वी के अंदर जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान में आपने कई बार पढ़ा होगा कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर प्रत्येक बत्तीस मीटर की गहराई पर एक डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है वृद्धि होती है जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो प्रत्येक बत्तीस मीटर की गहराई पर यानी अगर हम यहाँ से इस सतह से अगर हम बत्तीस मीटर अंदर आ गए तो एक डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी तो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक मीटर की गहराई पर पर जाने पर तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है? हो जाती जाती है कंडीशन हमको कहां तक देखने को मिलती है यह कंडीशन हमें देखने को मिलती है आठ किलोमीटर तक एट किलोमीटर तक यानी कि जब हम पृथ्वी के अंदर तक जब हम पृथ्वी के अंदर तक आठ किलोमीटर तक जाएंगे तो तापमान में वृद्धि की दर क्या होगी प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर क्या हो जाएगा एक डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे जैसे आठ किलोमीटर के बाद फिर हम अगले सौ किलोमीटर तक जाएंगे अगले 100 किलोमीटर तक जाएंगे तो फिर प्रत्येक जो है उस तरीके से तापमान में एक अलग ही प्रकार से वृद्धि होती है मतलब तापमान में वृद्धि की दर क्या होती है बदलती रहती है आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है बच्चा वृद्धि हो जाती है बात समझ में आ रही है मेरे बेटे आपकी ओके okay, एक बार कमेंट ले लेता हूँ मैं आपके ओके okay. प्रिंस पांडे गुड मॉर्निंग सर ओके okay. यस yes, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके okay. विवेक पटेल पीयूष कौशिक लोकेश राजपूत आर एन मिश्रा ओके okay. निवेदता शिरोही ओके वन डिग्री इनक्रीज यस बेटा तो सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सभी को राम राम तो ध्यान रखिएगा यही होता है कि प्रत्येक जब हम धरती के अंदर 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो एक डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होती है तो जितने भी भूगोल वेदता थे जो भूगोल के जानकार हैं जो भूगोल में रिसर्च करते हैं वो सब इस चीज को देख रहे हैं कि आखिरकार पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है देखिए बहुत आसान भाषा में बहुत साधारण भाषा में समझिए उन्होंने कहा कि आखिरकार पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है कि पृथ्वी के अंदर तापमान में क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है और तापमान में वृद्धि की जो दर है जो रेट है वो भी अलग अलग है मतलब कहीं कहीं पर तापमान ज्यादा बढ़ रहा है अंदर जाएंगे फिर तापमान और कम बढ़ रहा है फिर और अंदर जाएंगे तापमान और कम बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे किस तरीके से दाब भी बढ़ रहा है डेंसिटी भी बढ़ रही है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के अंदर इतना सारा ये लावा बन कैसे गया पृथ्वी के अंदर ये लावा कहां से आ गया ये सब बातें तमाम भूगोल ने ने इस पर रिसर्च किया और इसके बारे में बहुत सारी खोजें भी की तो खोजों से क्या रिजल्ट निकला हम केवल और केवल और उस चीज की बात आपसे करेंगे आप यहां तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं इसका जब तक मैं आपके कमेंट ले लेता हूं ओके रेडियो एक्टिविटी धातु के कारण होता है गुरुजी हाँ बेटा हम इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे एक बार सभी लोग मिलकर के सेशन को शेयर कर देंगे शिनू गुप्ता अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है बिल्कुल सही है बेटा आपका जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक जो उसका घनत्व तो है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है चलिए फटाफट से आपने कॉपी कर लिया है ठीक है चलिए विश्व जोशी जी का कमेंट है सर फादर ऑफ़ जोग्राफी किन्हें कहते हैं आप जानते हैं दोस्तों कि फादर ऑफ जोग्राफी दो व्यक्तियों का नाम हमेशा से आता है एक तो हिकेटीएस और एक हैरोटस है इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको पहले काफ़ी क्लियर कर चुके हैं ओके निवेदता सुरई प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी इंक्रीज बिपिन यादव गुड मॉर्निंग ओके यादव गुड मॉर्निंग सर ओके तो आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ गए अब ध्यान दीजिएगा अब हम यहां पर समझेंगे कि हमारे लिए जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न कौन कौन से हैं हम उनकी बात यहां पर आपसे करते हैं तो सबसे पहले यहां पर समझिएगा सबसे पहले तो यहां पर आपको ये समझना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी के धरातल पृथ्वी के धरातल से अंदर जब हम भूगर्भ की तरफ अंदर जाते हैं तो आप सब जानते हैं अच्छे से कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है क्या होती है तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है यानी हम 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी वृद्धि होगी इस तरीके से बना लेते हैं अर्थ को जब हम मान लेते हैं यहाँ पर आ गए तो 32 मीटर की गहराई पर एक डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी लेकिन ये दर कहाँ तक चलेगी बेटे तो ये दर चलेगी आठ किलोमीटर तक ये दर कहाँ तक चलेगी आठ किलोमीटर तक यानी जब हम धरातल के अंदर आठ किलोमीटर तक प्रवेश कर जाएंगे मैंने मान लिया कि यहाँ पर यह हमारा आठ किलोमीटर की गहराई जब ये आठ किलोमीटर की गहराई है तो यहाँ पर जो तापमान में बढ़ने की दर होगी वो कैसी होगी तापमान में बढ़ने की दर वो होगी बत्तीस मीटर बराबर एक डिग्री सेल्सियस इनक्रीज पॉजिटिव बात क्लियर है अब लेकिन जब हम आठ किलोमीटर से और आगे बढ़ जाएंगे आठ किलोमीटर से और आगे बढ़ जाएंगे तो मैंने मान लिया कि यहाँ तक हम आ गए सौ किलोमीटर तक कहाँ तक आ गए सौ किलोमीटर तक आठ किलोमीटर के बाद अंदर पृथ्वी के जब हम सौ किलोमीटर तक आएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो तापमान बढ़ेगा वो प्रत्येक बारह किलोमीटर पर या ऐसे कह सकते हैं ऐसे कह सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पर के जो तापमान यहाँ पर बढ़ेगा वो प्रत्येक किलोमीटर की दर से क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा कैसे परिवर्तित हो जाएगा उसके बाद जब सौ के बाद जब अगले तीन सौ किलोमीटर तक जाएंगे तो तापमान एक अलग ही दर से बढ़ेगा तापमान एक अलग ही दर से बढ़ेगा कि प्रत्येक किलोमीटर पर बदल जाता है कैसे अगर आप डिजिट भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी और यहां पर भी प्रत्येक किलोमीटर पर दो डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी एक बार फिर से समझते हैं एक बार फिर से समझते हैं तो ध्यान रखिएगा हो सकता है आप में से कुछ लोगों की समझ में आए लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है देखिएगा एक बार आप फिर से समझिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के धरातल से अंदर जब हम जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में वृद्धि होती की दर क्या है तो जब हम 32 मीटर की गहराई पर पहुंचते हैं तो तापमान में वृद्धि की दर है वन डिग्री सेल्सियस यानी मान लेते हैं हम ये सरफेस पे खड़े हैं बेटे सरफेस से हम अंदर चले गए बत्तीस मीटर जब हम बत्तीस मीटर अंदर चले गए तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी कितना एक डिग्री सेल्सियस इसी तरीके से हम अंदर चलते जाएंगे और तापमान में वृद्धि होती जाएगी वन डिग्री सेल्सियस की दर से लेकिन ये वृद्धि की दर कहाँ तक चलेगी ये चलेगी आठ किलोमीटर तक मान लेते हैं हम यहाँ आ गए आठ किलोमीटर तक तापमान इस तरीके से बढ़ेगा अब आठ किलोमीटर के बाद और भी तो आगे जाना पड़ेगा आठ किलोमीटर के बाद अगले सौ किलोमीटर तक हम जितना चलेंगे उतना तापमान की वृद्धि होगी एक किलोमीटर पर बारह डिग्री सेल्सियस तो प्रत्येक किलोमीटर पर बारह डिग्री सेल्सियस आगे हम मान लेते हैं सौ किलोमीटर तक सौ किलोमीटर के बाद फिर हम चलेंगे अगले तीन सौ किलोमीटर तक तो यहां पे तापमान की दर बदल जाएगी यहां पे तापमान बढ़ेगा प्रत्येक किलोमीटर पर दो डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के धरातल के अंदर क्या हो रहा है तापमान वृद्धि में भी अपना एक अलग ही अंतर है तो ये तीनों के तीनों तथ्य आपके लिए बड़े काम के हो सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर कोई भी चीज समझ में ना ही हो तो एक बार कमेंट करेंगे हम बिल्कुल दोबारा से आपको समझाएंगे बहुत सिंपल सी भाषा में आपको ये चीज बताई गई है चलिए ओके ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके प्रिंस पांडे वेरी गुड बेटा ओके प्रिंस राज ओके यस सर लास्ट लाइन नहीं है समझ में अंजलि ठाकुर कह रहे हैं लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रही बेटा अंजलि ध्यान रखना लास्ट लाइन हम लेकर आए है कि यहाँ पर भी आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर यानी कब 300 किलोमीटर के बाद जब हम 300 किलोमीटर तक चलेंगे एक किलोमीटर अंदर आगे तो दो डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया फिर और एक किलोमीटर अंदर आगे तो दो डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया यह तापमान वृद्धि की दर है अपनी ओके आ गया समझ में ओके ओके घनत्व तो कितना होता है पृथ्वी का 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है बेटा गुर्जर हम इन सब चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे चलिए ओके ओके okay, यहां तक आ गया तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फिर हम सब लोग जो है आगे बढ़ेंगे बात क्लियर है तो यहां तक ये यह बात आपकी समझ में आ गई है चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ इसी में चलेंगे अब ध्यान रखिएगा अब हम बात करेंगे इसमें कि अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम यहां पर इस को बात करें तो ध्यान समझिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं कि तापमान में भी क्या हो रहा है परिवर्तन की दर देखी जा रही है और जब तापमान में परिवर्तन की दर देखी जा रही है तो उसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे कैसे समझेंगे ध्यान रखिएगा यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे ध्यान रखिएगा कि जितने भी भूगोल वेदता थे सबने अपने अपने अंदाजा लगाए सब ने अपने अपने तरीके अपनाए देखा कि पृथ्वी के अंदर तापमान में इतने वृद्धि कैसे हो रही है पृथ्वी के अंदर इतना टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है कैसे वृद्धि हो रही है सब चीजों के बारे में जानकारी हमने इसमें प्राप्त की लेकिन जो सबसे सटीक जानकारी हमको आधुनिक काल में या अब हमको प्राप्त होती है पृथ्वी के अंदर के बारे में वो हमको प्राप्त होती है भूकंप विज्ञान के आधार पर सीस्मोलॉजी के आधार पर तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले हम यह पॉइंट नोट करेंगे आप भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि पृथ्वी की पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में के बारे में सबसे अच्छी जानकारी सबसे अच्छी जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे अच्छी जानकारी भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है भूकंप विज्ञान भूकंप विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीस्मोलॉजी सीस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है भूकंप विज्ञान से, से प्राप्त होने का मतलब बेटे यहां पर हम भूकंप विज्ञान को नहीं पढ़ेंगे कुछ लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही भूकंप को पढ़ा देते हैं हम भूकंप को अलग से अपना एक अलग टॉपिक लेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अभी हम केवल पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे भूकंप विज्ञान का मतलब है कि जिसमें हम भूकंप के बारे में पढ़ते हैं भूकंप आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है और भूकंप में तीन प्रकार की तरंगें निकलती हैं प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स, लॉन्ग वेव्स यानी पी तरंगें, एस तरंगें एल तरंग उन तरंगों के आधार पर हमने पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजों की जानकारी ली है और बहुत सारी चीजों के आधार पर हमने बहुत सारे तथ्य भी दिए हैं तो यही प्रश्न आपके लिए बन जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे सही जानकारी सबसे सही जानकारी कैसे होती है भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है ये है हमारे पापला गुज्जर फाइव टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यू बता दो भाई अच्छा जी जब आपको ये पता है कि डिस्कंटिन्यू फाइव टाइप की होती हैं तो आपको यही पता होगा कौन सी हो हैं तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप निकलिए फटाफट से यहाँ से बहुत जल्दी यहाँ से निकलिए ठीक है जब आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तो आप निकलिए तुरंत यहाँ से अभी हम आपको बेसिक बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि फाइव टाइप की डिस्कट्र्यू भी आपको बता दिया जाए ठीक है बेटा थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना ऐसे कैसे काम चलेगा ठीक है थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए बात समझ रहे हैं दोस्तों चलिए तो हमने कहा कि फाइव टाइप की जिस डिसकंटिन्यू की बेटा बात कर रहे हैं हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे चलिए ओके यस yes. yeah. तो हमने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे अच्छी जानकारी किससे प्राप्त होती है भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है सीस्मोलॉजी से प्राप्त होती है दूसरी बात ध्यान रखना अगर हम इस दूसरी बात में करें कि आखिरकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है क्या तो ध्यान रखिएगा एक वैज्ञानिक है जिस वैज्ञानिक का नाम है ग्रांट क्या नाम है ग्रांट ये आपके पेपर में यूपीएससी में पूछा जा सकता है एक जियोमोरफोलोजिस्ट है ग्रांट जिन ग्रांट ने क्या किया पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया और इसको तीन भागों में बांट दिया इसको तीन भागों में बांट दिया जिसको इंग्लिश में, में कहते हैं क्रस्ट मेंटल और कोर क्रस्ट मेंटल और कोर जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट मेंटल और कोर क्रस्ट जिसको हिंदी में कहते हैं परपटी भू परपटी और मेंटल जिसको हिंदी में कहते हैं प्रावार और कोर जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरतम अंतरतम तो ध्यान रखिएगा एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ग्रांट महोदय आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि ग्रांट के अनुसार पृथ्वी को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने रूपों बांटा गया है तीन रूपों बांटा गया क्रस्ट मेंटल और कोर किसने बांटा है ग्रांट ने इनको बांटा है तो एक वैज्ञानिक है ग्रांट जिन्होंने पृथ्वी को इस तरीके से बांटा है क्रस्ट मेंटल और कोर में बांटा है आगे बात करेंगे ध्यान रखिएगा एक और वैज्ञानिक है हमारे पास जिनका नाम है स्विस क्या नाम है जिनका नाम है स्विस आगे ध्यान रखिएगा ये सब आपके काम के हैं स्वेस स्वेस के अनुसार स्वेस के अनुसार ध्यान रखिएगा इस स्वेस ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को या पृथ्वी को तीन रूपों में बांट दिया और इसने किस आधार पर बांटा इसने बांटा रासायनिक संगठन के आधार पर किसके आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर तो रासायनिक संगठन के आधार पर वैज्ञानिक स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन तरीके से कहा और वो क्या कहा तो उन्होंने इसको कहा सियाल इन्होंने इसको कहा शीमा इन्होंने इसको कहा नीफे हिंदी में भी ऐसे कहेंगे सियाल कहेंगे इन्होंने इसको शीमा कहेंगे और इसको निफे कहेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखना कि कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल डिवाइजन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकली डिवाइजन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकली डिवीजन इसको कहेंगे कि रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किसने तीन भागों में बांटा तो वैज्ञानिक स्वेस ने इसको तीन भागों में बांटा कैसे कैसे बांटा श्याल सीमा निफे श्याल में एसआई का मतलब हो गया सिलिकन क्या हो गया इसमें सिलिकन ए एल का मतलब हो गया एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और एफ एन आई का मतलब हो गया निकल निकल और एफ ई का मतलब हो गया फेरस यानी लोहा तो वैज्ञानिक स्वेस ने स्वेस महोदय ने इसके बारे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी पर एक परत ऐसी है जिस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उन्होंने उस जगह को कह दिया सियाल के नाम से उन्होंने देखा सियाल के बाद एक स्थान ऐस ऐसा आता है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है तो उन्होंने उस परत को सीमा कह दिया उन्होंने देखा एक परत ऐसी है जिसमें निकेल यानी लोहा सॉरी निकेल और एफ ई फेरस यानी लोहा की मात्रा ज्यादा है तो उन्होंने उसको निफे कह दिया तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन रासायनिक संगठन के आधार पर केमिकली रूप से डिवाइजन किसने किया तो वैज्ञानिक थे स्विस और उन्होंने कितने रूप में बांटा तीन रूप में बांटा श्याल सीमा और निफे में बांटा दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन और ग्रांट ने कितने रूपों में किया तो ग्रांट ने किया बेटे आप जानते हैं ग्रांट ने इसको किया है क्रस्ट मेंटल और कोर में तो आप यहां तक इसका स्क्रीन ले सकते हैं ये ग्रांट वाला भी आप इसके स्क्रीन ले सकते हैं और आप ये स्वेस वाला भी ले सकते हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया तो यहां तक अगर आपका क्लियर है तो एक बार यस लिखिए और अगर कोई डाउट है तो यहां तक पूछे फिर हम आगे, आगे आपसे बात करेंगे ग्रेजुअली बात करेंगे बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है कि ग्रांट कौन थे ग्रांट ने क्या बताया स्विस ने क्या बताया इसलिए चीज को डिटेल में समझने का प्रयास करें ओके अब ले सकते हैं बेटा इसका कम इसकी शॉर्ट ले सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल ओके ओके बैक करके ओके मैग्नीशियम ओके ठीक है यस ओके ओके ये सियाल में ओके okay, शिल्कन हो गया ए AL एल से एल्यूमिनियम हो गया और एम ए से हो गया यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है एम ए से ही हो गया बेटा मैग्नीशियम क्या हो गया मैग्नीशियम एम ए से हो गया मैग्नीशियम एफ ई से हो गया लोहा अगर सब कुछ एकदम से क्लियर है तो यहां पे एक बार कमेंट करेंगे फिर हम सब लोग जो है आगे बढ़ते हैं यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है यस ओके ठीक है ओके चलिए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां तक आप लोगों का एकदम से सही है ओके okay, चलिए चलिए तो आगे बात करते हैं बिल्कुल सही है बेटा ओके ठीक निफे को बताइए ओके सर जी फर्स्ट टाइम नोट्स बनाए थे इसके बट नाम नहीं पता था वैज्ञानिक के यस बेटा मैं वही तो कह रहा हूँ एक भाई भी कह रहा था कि फाइव डिस्कंटिन्यू के बारे में बताइए डायरेक्ट डिस्कंटिन्यू पहुँच जाएगा बेटा तो ये पीछे की जानकारी कौन पड़ेगा ये सारी की सारी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर ग्रांट ने किस आधार पर डिवाइड किया था बेटा ग्रांट ने इसको ग्रांट ने इसका कोई आधार विशेष नहीं लिया था उन्होंने इसको किया, इसको किया उन्होंने उन्होंने देखा देखा कि केवल केवल और केवल तापमान घनत्व डेंसिटी इन सब चीज़ों के आधार पर चट्टानों की घनत्वता के आधार पर उन्होंने देखा डेंसिटी के आधार पर उन्होंने देखा तो उसके आधार पर उन्होंने इसको बांट दिया ग्रांट ने लेकिन स्पेशली सुएस ने स्पेशली सुएस ने केमिकल के आधार पर बांटा इसको रासायनिक संगठन के आधार पर बांटा ओके ग्रांट का क्लासिफिकेशन किसका आधार था ग्रांट का आधार था बेटा टेंपरेचर प्रेशर आधार शर्मा टेंपरेचर प्रेशर और डेंसिटी और जो सुएस का आधार था वो था केमिकली आधार था बात यहां तक आप सब लोगों का क्लियर एक okay. है एकदम से ओके ठीक है चलिए अब हम आगे बात करते हैं और हम समझेंगे इस चीज को ध्यान रखिएगा तो तो कैसे समझेंगे इस चीज को ध्यान रखना बेटा कि इसको हम इस तरीके समझते हैं, ओके ठीक ओके अब अपने टॉपिक पर आते हैं चलिए ओके अंकित कुमार गौरव गुड मॉर्निंग सर ओके सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सभी को राम राम तो यहां तक यह बात आपकी समझ में आ गई कि सुएस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे बांटा ग्रांट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे बांटा अब ध्यान रखिएगा क्योंकि आप सब जानते हैं हमने आपको यहां पर बताया था भी हमने आपको यहाँ पर बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे अच्छी जानकारी हमें भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है और जब भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है तो ध्यान रखिएगा भूकंप विज्ञान के आधार पर ही या भूकंप में आने वाली तरंगों के आधार पर ही इन इन क्षेत्रों को पुनः भागों में बांटा है कैसे बांटा है यहाँ पर जहाँ पर यह है कृष्ट क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया क्रस्ट को कह दिया अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट यह हो गया अपर क्रस्ट और एक उन्होंने कह दिया लोअर क्रस्ट अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट क्रस्ट के बाद आता था मेंटल क्या आता था मेंटल मेंटल को भी दो भागों में बांट दिया अपर मेंटल अपर मेंटल और लोअर मेंटल अपर मेंटल और लोअर मेंटल तीसरा था इसमें कोर और कोर भी अगेन दो भागों में बट गया ये बच गया इंटरनल इंटरनल कोर और ये हो गया आउटर कोर आउटर कोर यानी आंतरिक कोर और बाह्य कोर आंतरिक कोर और बाह्य कोर ये डिवीजन किसके आधार पर है तो ये है ध्यान रखिएगा भूकंपीय तरंगों भूकंपीय तरंगों की गति भूकंपीय तरंगों की तरंगों की गति भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर अंतर के आधार पर कैसे ध्यान रखिएगा कि भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर पहले हमने आपको बताया था कि भूकंप के आधार पर इससे अच्छी जानकारी मिलेंगी लेकिन जब भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर देखा गया जैसे अभी कोई आप में से कमेंट करके पूछ रहा था कि सर ये बताइए कि जो ग्रांट थे जो ग्रांट थे उन्होंने इसका विभाजन किस आधार पर किया तो ग्रांट ने विभाजन किया चट्टानों के आधार पर टेम्परेचर के आधार पर प्रेशर के आधार पर लेकिन जब भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि भूकंपीय तरंगें पी तरंगें तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे हैं एल तरंगें तो धरातल पर चलती हैं लेकिन पी और एस की गति में अंतर हो गया कहीं कहीं तरंगें ती तीव्र तरंगे गति से चल रही हैं कहीं कहीं तरंगे स्लो गति से चल रही हैं तो उसके आधार पर दोबारा से क्रस्ट को दोबारा से दो भागों बांट दिया मेंटल को दो भागों में बांट दिया कोर को दो भागों में बांट दिया अगर यहां तक आपकी बात एकदम से समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट करेंगे फिर हम सब लोग जो है आगे बढ़ते हैं यहां तक है, अगर आपका एकदम से क्लियर है ओके, को गुड मॉर्निंग ओके यस और ध्यान रखिएगा जिस चीज के बारे में अभी वो भाई पूछ रहा था कि सर डिसकंटिन्यूटी क्या होती है ध्यान रखना डिसकंटिन्यूटी की अगर बात करें तो डिसकंटिन्यूटी कुछ नहीं होता है इसको हिंदी में कहते हैं असंबद्धता क्या कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं असंबद्धता डिसकंटिन्यूटिस्किन्यू जिसको हिंदी में कहते हैं हम असंबद्धता और डिसकंटिन्यूटी होता है मेरे भाई ध्यान रखना एक ऐसा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आकर के गति में क्या हो रहा है तरंगों की गति में परिवर्तन हो रहा है यहाँ से पी तरंग आ रही है और पी तरंग आते ही यहाँ इस हिस्से से टकराई और टकराने के बाद उसका विचलन हो गया उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया उसकी गति में भी परिवर्तन हो गया तो बस वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो क्षेत्र विशेष है यहाँ पर ये जो क्षेत्र विशेष था ये क्षेत्र विशेष कुछ अलग ही है यहां पर आते ही उन्होंने कहा कि आठ किलोमीटर की गति से आ रही हैं लेकिन देखा इससे टकरा करके एक तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो गया और उनकी गति में भी परिवर्तन हो गया तो बस उन्होंने कह दिया कि ये जो क्षेत्र है वही क्या है अलग है तो जिस जिस वैज्ञानिक ने जिस जिस वैज्ञानिक ने इसके बारे में खोज की उन्होंने वैसा वैसा इसका नाम दे दिया तो सबसे पहले इस चीज के बारे में जो बताया था वो बताया था कोनराड नामक एक व्यक्ति ने तो उसे हम कहते हैं कोनराड असंबद्धता ध्यान रखिएगा कि ये जो लोअर क्रस्ट है यह जो लोअर क्रस्ट है और यह अपर क्रस्ट है इस लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता है उसको कहते हैं कोनराड राड असंबद्धता ये सब मैं आपको याद करा दूंगा कोनराड राड असंबद्धता कहते हैं क्या कहते हैं इसको कोनराड राड असंबद्धता कहते हैं भाई क्रष्ट तो एक ही है लेकिन क्रष्ट में अंदर भी क्या है गति में अंतर है वो सब हम डायग्राम से बनाएंगे तो इस चीज का अध्ययन सबसे पहले कोनराड ने किया तो उन्होंने अपने नाम पर ही एक डिसकंटिन्यूटी बता दी एक अवरोध टाइप में शब्द बता दिया उन्होंने कहा कि यहां से अंतर पाया जाता है तो इसको हम कहेंगे कोनराड असंबद्धता कहेंगे क्या कहेंगे कोनराड असंबद्धता कहेंगे दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब हम कृष्ट के बाद मेंटल पर आएंगे ये क्रस्ट हो जाएगा और ये यहां पर मेंटल हो जाएगा तो उन्होंने कहा इसका भी उन्होंने एक नाम दिया एक दूसरे वैज्ञानिक ने जिनका नाम था मोहोविविक विविक मोहो तो उन्होंने अपने नाम पर ही दे दी मोहो असंबद्धता क्या नाम दे दिया मोहो असंबद्धता और उसके बाद ध्यान रखिएगा अपर मेंटल और लोअर मेंटल में भी ये कंडीशन देखने को मिली तो इसका अध्ययन किया रेपिटी नामक एक वैज्ञानिक ने तो उसने अपने नाम पर ही दे दी रेपेटी असंबद्धता रेपेटी असंबद्धता तो ये चीज आपको समझने मेरे बेटे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मेंटल में कि ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी संबद्धता है तो रेपेटी संबद्धता और मेंटल और कोर के बीच कौन सी है तो उसे कहते हैं हम गुटेन वर्ग असंबद्धता या मेंटल और कोर के बीच में भी एक असंबद्धता है जिसको हम कहते हैं गुटेन वर्ग असंबद्धता गोटेन बर्ग असंबद्धता और जो इंटरनल और आउटर कोर है उसके बीच में जो असंबद्धता है उसको हम कहते हैं लेहमैन असंबद्धता क्या कहते हैं लेहमैन असंबद्धता लेहमैन असंबद्धता अब आप इस चीज को ले सकते हैं मैं आपके कमेंट ले रहा हूं यहां तक यहां तक अगर कोई भी चीज समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं यहां तक अगर आप लोगों की सब कुछ समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करेंगे ओके आ, प्रिंस राज वाटर कौन से में मिलता है ओके सर तरंग की इंग्लिश में क्या है भूकंपी तरंग को बोलेंगे बेटा वेव्स ओके यस बेटा इनको इंग्लिश में भी निवेदिता श्रो इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे कोनराड असंबद्धता को कोनराड असंबद्धता लिखेंगे और मोहो असंबद्धता को मोहो डिसकंटिन्यूटी रैपेटी असंबद्धता को रैपेटी डिसकंटिन्यूटी गुटेन वर्ग असंबद्धता को गुटेन वर्ग डिसकंटिन्यूटी लेह मैन को लेह मैन क्या आप सब लोगों को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया है अगर यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करिए यस लिखिए फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं एक बार आप इस चीज़ को कमेंट करेंगे फटाफट से यस yes, बात क्लियर है तो यहां पर आपने इस चीज को देख लिया अब ध्यान रखिएगा अब हम इस चीज को ऐसे यहां पर समझते हैं क्लियर है आप सब लोगों का का पर ओके 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 सर बैच चलेगा फ्री वाला यस बेटा ये सारी सारी की बात तक सही है अब हम ध्यान से समझेंगे ध्यान रखिएगा ये यह है यहां पर हमारी पृथ्वी ये क्या है यहां पर हमारी ये है हमारी यहाँ पर पृथ्वी और हम इस पृथ्वी का ही अध्ययन कर रहे हैं ध्यान रखिएगा तो इस पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने पृथ्वी के अंदर से एक ऐसा टुकड़ा एक बाहर निकाल लिया और ये यहाँ पर हमने पृथ्वी के अंदर से एक टुकड़ा हमने बाहर निकाल लिया ये जो टुकड़ा है यहाँ पर यह पृथ्वी का केंद्र छः किलोमीटर की गहराई पर यह हमारा पृथ्वी का यहाँ पर केंद्र ये क्या है सेंटर ऑफ अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ पृथ्वी का केंद्र कितना है 6300 किलोमीटर पर ये है हमारा धरातल ये क्या है हमारा धरातल है ये हमारा जहां पर हम, हम सब लोग रहते हैं ये हमारा वो धरातल है जहां पर हम सब लोग रहते हैं जीरो किलोमीटर पर कहां किलो पर जीरो किलोमीटर पर ध्यान रखना जीरो किलोमीटर से जब हम तीस किलोमीटर की गहराई तक आएंगे जीरो किलोमीटर से जब हम तीस किलोमीटर की गहराई पर आएंगे तो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को ये हम कहते हैं क्रस्ट क्या कहते हैं इसको हम क्रस्ट और जब हम 30 किलोमीटर से सीधा उनतीस किलोमीटर की गहराई पर आएंगे टू किलोमीटर उन्तीस किलोमीटर की गहराई पर आएंगे तो उसको हम कहेंगे मेंटल उसको हम क्या कहेंगे मेंटल और उनतीस से जब सीधा छ हजार किलोमीटर की गहराई पर आएंगे तो उसको हम कहेंगे कोर उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों कोर कहेंगे तो ये हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया होता है लेकिन ध्यान रखिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी हमने इसको कई भागों में बांट दिया तो क्रस्ट को भी हमने बीच में से बांट दिया और मेंटल को भी हमने बीच में से बांट दिया कोर को भी हमने बीच में से बांट दिया और जब इसका डिवीजन इस तरीके से किया तो ये हो गया अपर क्रस्ट यूसी का मतलब है अपर क्रस्ट और ये हो गया एल सी का मतलब है लोअर क्रस्ट और ध्यान रखिएगा ये हो गया हमारा यहां पर अगर इसकी बात करेंगे मेंटल में तो ये हो गया अपर मेंटल यूएम और ये हो गया लोअर मेंटल एल एम और कोर की अगर बात करेंगे तो ये हो गया इंटरनल कोर और ये हो गया आउटर कोर ओ सी आउटर कोर यानी बाहरी कोर आईसी मतलब इंटरनल कोर आप बिल्कुल पर इस बात को समझ पा रहे हैं, किलोमीटर की गहराई पर भी समझ पा रहे हैं यह लगभग तीस के बाद 700 किलोमीटर की गहराई पर है और यह लगभग इक्यावन किलोमीटर की गहराई पर यह चीज कितने पर है यह है लगभग इक्यावन किलोमीटर की गहराई पर कितने पर है दोस्तों यह है इक्यावन किलोमीटर कितना है दोस्तों इक्यावन किलोमीटर बात आपकी समझ में आ रही है तो बस ध्यान रखिएगा ये वाली जो असंबद्धता है मैंने आपको सबसे पहले यहां पर मैंने आपको बताया मैं इसको अब यहां से हटा दे रहा हूं मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं और मैंने अभी आपको यहां पर ये यह बताया कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी है कौन राड असंबद्धता कौन सी है कौन राड असंभदता बस तो ये जो बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसी को हम कहेंगे क्या कौन राड असंबद्धता कोनराड असंबद्धता क्या कहेंगे इसको हम इसको हम कहेंगे कोनराड असंबद्धता और उसके बाद क्रस्ट और मेंटल के भी इसको मैं इस तरीके से दर्शा दे रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं क्या ताकि आपकी बात समझ में आ जाएगी ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में और अगर बात करेंगे यहां पर अगर इसकी बात करेंगे कि अगर हम क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी है तो मोह असंबद्धता कौन सी है मोह असंबद्धता यहां पर ये हो गया क्रष्ट और ये हो गया मेंटल तो क्रष्ट और मेंटल के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है क्रष्ट और मेंटल के वाला जो है, इसको हम कहते हैं मित्रों मोह असंबद्धता मित्रो? मोह डिसकंटिन्यूटी और उसके बाद आ जाता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल और अपर मेंटल और लोअर मेंटल में ये वाला जो क्षेत्र है इसको भी हमने अपने नाम बताया था हमने आपसे यहां पर भी दिखाया था आपको कि जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में उसको कहते हैं रेपेटी असंबद्धता क्या कहते हैं रेपेटी असंबद्धता तो यहां पर यहां पर ये हो जाएगा अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में इसको हम रे रे तो कहेंगे रेपेटी असंबद्धता रेपेटी असंबद्धता या इंग्लिश में कहेंगे रेपेटी डिसकंटिन्यूटी और उसके बाद जो हमने आपको यहां पर बताया था आखिर में कि जो मेंटल और कोर के बीच में वो है है गुटेनबर्ग और ये यह यह पर क्या है? में. तो मेंटल और लोअर के बीच में मेंटल और कोर के बीच में यहां पर ये यह जो असंबद्धता है उसको हम कहेंगे लेहमैन असंबद्धता क्या कहेंगे लेहमैन असंबद्धता क्या कहेंगे मित्रों लेहमैन असंबद्धता इनको आप याद कर लीजिए ये आपके पेपर में कई बार पूछी जाएंगी सॉरी तो लेहमैन नहीं ये हो जाएगा गुटेनबर्ग वो मिस्टेक कर दिया गुटेनबर्ग ठीक है यहाँ पर तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसकी बात अगर करेंगे तो ये लेहमैन नहीं ये होगा गुटेनबर्ग यहाँ पर ये हो गया हमारा गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या हो गया गुटेनबर्ग असंबद्धता और आप सब जानते हैं कि कोर के बीच में भी कोर के बीच में भी विभाजन कर दिया गया और जो इंटरनल कोर और आउटर कोर के बीच में किया गया उसको किया गया वैज्ञानिक लेहमेन के, लेह के द्वारा तो नाम हो गया लेहमेन असंबद्धता इसका नाम हो गया लेहमैन असंबद्धता तो क्या आपकी ये पांचों की पांचों डिस्कंट्री आपकी बात है समझ में आ रही है अगर यहाँ तक आपको ये पांचों असंबद्धताएं अगर आपकी समझ में आ रही हैं तो एक बार यस कमेंट करेंगे फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ेंगे आप इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं ओके विवेक ओके ये सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें सेशन को थोड़ा सा कितने कम बच्चे वॉच कर रहे हैं सभी लोग मिलकर के एक बार सेशन को शेयर कर देंगे लाइक कर देंगे ओके प्रियंका प्रदर्शनी चौधरी ओके, ओके, यू ओके। पंडित करें रेंज क्या होती है तीनों लेयर की मोनू पंडित बेटा आप देर से आए हैं आप जरा चेक करिएगा हमने लास्ट में आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ने की दर अलग होती है शुरुआत में 32 मीटर पर एक डिग्री सेल्सियस ये बढ़ेगा 8 किलोमीटर तक फिर उसके बाद अगले 100 किलोमीटर तक प्रति किलोमीटर पर बढ़ेगा 12 डिग्री सेल्सियस फिर 100 किलोमीटर के बाद नेक्स्ट 300 किलोमीटर तक जब आएंगे तो यहां पर पर किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा ये बात बेटा हम आपको पहले बता चुके हैं इस आई हैव क्वेश्चन अंडरग्राउंड मॉल पार्किंग थिएटर्स और बनाते हैं वो क्रस्ट से मेंटल तक होते हैं नहीं बेटा क्रस्ट से मेंटल तक कैसे हो सकते हैं बेटा ये तो यहाँ पर क्रस्ट है जीरो किलोमीटर और जीरो से क्रस्ट कहाँ तक है तीस किलोमीटर तक है बेटा और जो अंडरग्राउंड मॉल्स बनते हैं वो तो सौ दो सौ मीटर की गहराई पर ही बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा थोड़ी ना कि जमीन में दो चार किलोमीटर नीचे गहरा जाके बनाते हैं और आप समझ समझना ये थर्टी किलोमीटर है ये तीस किलोमीटर है बात समझना बेटा ओके सर सर जी भूकंप को किससे मापते हैं बेटा जी ध्यान रखना भूकंप को मापने के कई हमारे पास पैमाने हैं तीन पैमाने रिक्टर पैमाना मरकेली स्केल रोसी फेरल इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे परेशान हो तो भूकंप को मापने के तीन पैमाने हैं रिक्टर स्केल मरकेली स्केल रोसी फेरल इनके बारे में बात करेंगे ओके okay. बेटा सीस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है प्रियंका बेटा भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है ओके okay. तो यहां तक आप सब लोगों का एकदम से क्लियर है तो एक बार कमेंट करिए फिर हम सब लोग जो है आगे बढ़ते हैं <coughs> क्या आप सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया है ओके एट्टी थ्री लोग वॉच कर रहे हैं और लाइक देखिए कितना सारा काम है तो सभी लोग मिलकर के एक बार पहले वीडियो को लाइक करेंगे सब लोग फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ेंगे ओके यस चलिए तो क्लियर है यहाँ तक सब लोगों का ओके रवि यादव थैंक्स सर जी ओके ओके गुरु जी माइनिंग करते हैं वो मेंटल तक होते हैं क्या जहाँ से कोल निकाल आता है बेटा जी मेंटल तक माइनिंग नहीं होती है वो तो आद, वो तो चीज़ पता चल रही है कि कितना गहराई तक आप माइनिंग कर रहे हैं लोकेश राजपूत ठीक है ये है ओके ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक माइनिंग मेंटल की गहराई तक हो लेकिन 30 किलोमीटर की गहराई पर बहुत होता है और यहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं इतना गहराई तक क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है टेम्परेचर बत्तीस मीटर की गहराई पर ही टेम्परेचर में अंतर तो आ जाता है इसलिए इतना गहराई में माइनिंग नहीं होती है सर एन के लिए देख सकते हैं बिल्कुल देख सकते हैं थर्ड कौन सा स्केल बोल रहे थे अगेन रिक्टर स्केल रॉसी फेरल मरकेली स्केल बेटा जी एलिशना हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे बहुत बढ़िया थैंक यू अंजलि ठाकुर बेटा ओके चलिए तो यहां तक हमने आपकी ये सारी सारी बात कर ली ये आपके लिए प्रश्न बड़े ही काम का हो सकता है कि बताइए अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वेयर इज कोनराड डिस्कटिन्यूटी कोनराड डिस्कटिन्यूटी कहां पर है तो जाहिर सी बात है कोनराड डिस्कटिन अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहां पर है तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी आप समझ गए कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी अ लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल यानी इसको हम कह सकते हैं आप इसको लिखना चाहें तो अपने भाषा में लिख सकते हैं किस तरीके से आप लिख सकते हैं कि उच्च क्रस्ट सॉरी निम्न क्रस्ट और उच्च मेंटल और उसके बाद उसके बाद हम लिखेंगे लोअर मेंटल और इंटरनल कोर के बीच में गुटेनबर्ग और इंटरनल कोर और आउटर कोर के बीच में लेहमैन असंबद्धता पांच असंबद्धताएं है डिस्कंटिन्यूटी आपके सामने नंबर एक कोनराड असंबद्धता नंबर दो मोहो असंबद्धता नंबर तीन रैपेटी असंबद्धता और नंबर चार गुटेनबर्ग असंबद्धता और नंबर पाँच लेह असंबद्धता ये पांच प्रकार की असंभद्धता हैं आपके सामने आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं फिर हम सब लोग जो आगे बढ़ते हैं ओके इस फिगो मीटर्स से मापा जाता है सर बोलोगे आगे स्केल के बारे में बेटा जी प्रियंका हम इसको भूकंप में पढ़ाएंगे परेशान मत हो बेटा भूकंप इतना पढ़ाएंगे कि आपको खुद भूकंप के झटके महसूस होंगे ठीक है तो परेशान मत होइए सारे के सारे पैमाने आपके पास पहुंच जाएंगे आप इसी को बिल्कुल भी परेशान ना होइए होके चलिए अब हम थोड़ा सा इस चीज को हम समझते हैं अब हम थोड़ा सा पे समझते हैं कि देखते हैं कि अब आपसे कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं देखिए ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अब थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग कि क्रस्ट मेंटल कोर को भी पुनः तीन भागों में क्यों बांटा गया क्रस्ट को पुनः दो भागों में क्यों बांटा गया या मेंटल को पुनः दो भागों में अपर मेंटल लोअर मेंटल कोर को इंटरनल कोर और आउटर कोर में क्यों बांटा गया तो आप आंसर देंगे कि भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के कारण जो सीस्मो या कह सकते हैं कि जो अर्थक्वेक्स वेव हैं जो सिसमो वेव वेव्स हैं उनमें जो गति में उनके मोशन में जो अंतर आ रहा है उसके आधार पर हमने क्या कर दिया उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया क्रस्ट मेंटल कोर को भी अगेन तीन भागों में बांट दिया कोनराड असंबद्धता ओके okay. ओके okay. बच के रहना भाई लोग हां कल बच के रह रहे आप सो लोगों कल भूकंप के झटके आएंगे तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी है कोनराड असंबद्धता आपको याद कर लेनी है क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सी है मोह असंबद्धता आपको याद कर लेनी है अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच कौन सी है रेपेटी असंबद्धता या, या रेपेटी डिसकनेक्टिटी मेंटल और कोर के बीच कौन सा है गुटेनबर्ग डिस्कनिटी और इंटरनल कोर और आउटर कोर के बीच में कौन सा है तो लेहमेंट डिस्कनेक्टिटी ये बात एकदम से आपकी समझ में आ गई है आपने इसको तैयार भी कर लिया अगर आपने इसका स्क्रीन शॉट नहीं लिया है तो सभी लोग मिलकर के एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं चलिए और आप सब जानते हैं कि ये सारी सारी बातें हैं कि क्रस्ट मेंटल कोर इन तीन रूपों में किसने बांटा तो वैज्ञानिक ग्रांट ने बांटा था किसने बांटा था वैज्ञानिक ग्रांट ने यहां तक की बात क्लियर है आगे हम बात करेंगे तो आगे हमने बताया था कि स्वेस एक वैज्ञानिक हुआ स्वेस स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को केमिकल बेसिस के आधार पर बांट दिया जिसमें सियाल सीमा और निफी और वास्तविकता तो में अगर मैं आपको यहां पर बात